हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज भी मैं आप सबके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी इफ्तारी की, कि मैं अभी तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं एंड कुरान पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है एंड कुरान भी पढ़ लिया है। तो अब तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर इफ्तारी करने, क्योंकि आज मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा आज बाहर इफ्तारी करते हैं। तो आज हम लोग बाहर इफ्तारी करने जा रहे हैं, और क्योंकि आज हम दोनों को रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम दोनों ने सोचा कि हम आज इफ्तारी बाहर करेंगे। तो ऐसा कोई थोड़ी मुझे यार शिट। अच्छा मेरे हेलो मेरे रेवोल्यूट में तो अब हम पेट्रोल भरवाएंगे। और तो हम आज मैनचेस्टर जा रहे हैं इफ्तारी करने, और यहाँ से कुछ 60 मिनट्स की दूरी पर है। और मैं सोचा कि आज थोड़ा बाहर जाएं, इफ्तारी करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें साथ में, मजा आएगा। देखते हैं वो जगह कैसी है। जैसे आप सबको पता है, मॉनसून का सीज़न है और बारिशें होती रहती हैं, और इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत मज़ा आता है। और आप ख़ुद देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा है, तो हमने सोचा कि हम जाएं। तो अभी हम लोग आए हैं मुगलाई रेस्टोरेंट, और हम लोगों ने चिकन टिक्का और नान ऑर्डर किया है टेस्ट करने के लिए कि यहाँ का खाना कैसा है। तो अगर हमें अच्छा लगा तो हम फिर और खाएंगे, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर हम कहीं और जाके देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। तो हमारा गाइस, हमारा खाना आ चुका है। ये है टिक्का, ये है नान, ये अली का टिक्का। तो अब खाते और देखते कैसा है। मैंने आपको बताया था, हमने चिकन टिक्का एंड नान मंगाया एंड बस ठीक था वो। और चिकन टिक्का जूसी नहीं था, बिल्कुल भी पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं था। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी और वीडियोस देख के मैं यहाँ पर फूड स्ट्रीट आई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगा। और अभी हम अंडे वाला बर्गर ट्राई करने वाले हैं, तो देखते हैं बर्गर कैसा होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अंडे वाला बर्गर आ गया है, अब देखते हैं कैसा है ये, खा के देखता है। नहीं लगता, मुझे फीलिंग नहीं आ रही वो वाली पाकिस्तान वाली। मैंने क्या कहा था, मैं पाकिस्तान वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मैंने क्या कहा था, मुझे पाकिस्तान वाली फीलिंग नहीं आ रही। ये बन वो वाला नहीं है, बन पाकिस्तान वाला नहीं है। नो, मुझे नहीं है। खास टेस्ट नहीं है, मुझे तो मज़ा नहीं आया इस बर्गर में। अब ये लास्ट में ये जलेबी आई है, अब हम ये जलेबी ट्राई करेंगे और जलेबी देखेंगे जलेबी कैसी है। तो मैं फिर आपको इस जलेबी का रिव्यू भी देने वाली हूँ, क्योंकि अंडे वाला बर्गर तो मुझे अच्छा नहीं लगा, 6 out of 10। और चिकन टिक्का भी मुझे ख़ास नहीं लगा, 6 out of 10, 5 दे देते हैं चलो। और हमने पिशावरी नान मंगाया,
भी अच्छी है। जलेबी 10 out of 10, बहुत मजे की है। तो हम लोगों का प्लान सारा चौपट हो गया और पता है क्या हुआ, बारिश हो गई, हम लोग ठीक से घूम भी नहीं सके। और हाँ, नेक्स्ट टाइम ईद की शॉपिंग करने जाऊंगी तो मैं ज़रूर घूमने वाली हूँ। तो हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय गाइज़।